ताला, हम लोग आज के दिन अरफात के मैदान में हैं। ये वो मुकद्दस जगह है जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के अयाम में नौ अरफा को इस अरफात के मैदान में जमा होने का हुक्म दिया, जो कि हज की फजीलत से सबसे आला फजीलत है, जिसे हज अकबर कहा जाता है। और यही वो जगह है कि जहां पर तमाम मुजाहिदीन इकराम नौ अरफा को यहां जमा होते हैं। और ये हमारे सामने जबल रहमत है, जहाँ पर इसी के नीचे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पर बैठ कर खुतबा दिया था, जिसे हज्जतुल विदा का खुतबा कहा जाता है। पूरा अरफात जो है यहाँ पर हुजाजे काम ठहरते हैं। आप अलैहिस्सलाम की हदीस की बुनियाद पर फरमाया, अल अरफात कुल्लुहा मौक़िफ़ व तफ़ऊ अन बतनिल उरना। आपने फरमाया हुजाजे काम के लिए कि तमाम पूरे अरफात ये मौक़िफ़ है, ठहरने की जगह है, यहाँ पर ठहरना ज़रूरी है। कोई हाजी अगर यहाँ थोड़ी देर ठहर कर गुजर जाता है, उसका हज का फरीज़ा साबित हो जाता है। चुनांचे पूरा अरफात का मैदान है, इसकी आप ज़्यारत कर सकते हैं।